आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। एटा रोटी बैंक पर लगातार तीसरे वर्ष कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ। गरीब और असहाय लोगों को एटा रोटी बैंक संचालक समिति की तरफ से कंबल वितरित कराए गए। वहीं मुख्य अतिथि सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने कंबल वितरित किए। एसएसपी सुनील कुमार सिंह को व्यवस्था होने के चलते प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे। वहीं सीओसीटी राजकुमार सिंह ने भी गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। वहीं जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने भी गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। वहीं एटा रोटी बैंक पर सभी गरीब लोगों को भोजन भी परोसा गया। एटा शहर में एक ऐसी भी जगह है जहां सैकड़ों गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाता है। ना कोई जाति ना कोई धर्म, भूखे को भरपेट भोजन एटा रोटी बैंक देता है। कोरोना जैसी महामारी में भी एटा रोटी बैंक ने गरीब असहाय लोगों को भोजन कराया है। वहीं इस कार्यक्रम में चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार, डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता, इरफान एडवोकेट वसीम वारसी, शानू मिर्जा, अनीस एडवोकेट और वहीं संचालन मोहम्मद वारिस और अन्य गण भी उपस्थित रहे। खाना वितरण का कार्यक्रम भी रहता है और जो भी सुख सुविधाएं गरीबों को दी जा सकती हैं वो ये अपने माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत ही पुण्य का काम है। मानव जीवन में ये जरूरी है, जब व्यक्ति किसी के कष्टों में, किसी की परेशानियों में सहायक हो सकता है तो वो अपने आप को धन्य समझे, सबसे बड़ा आदमी समझे। इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है लाइफ में, अगर किसी के कष्टों में सहायक हो जाए कोई आदमी।